हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोफाउंड आईएएस। प्रोफाउंड आईएएस के इस डीएनए में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सिविल कोड, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज़, फूड सिक्योरिटी और वेरियस अदर वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में भी हम आज बात करेंगे। आज इस डीएनए में कुछ जो आर्टिकल्स हैं वो जीएस पेपर 2 के परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ जीएस पेपर 3 के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और कुछ एथिक्स के परस्पेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, इससे पहले कि हम डीएनए में आगे बढ़ें, हम प्रोफाउंड आईएएस के इनिशिएटिव्स के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं रिलेटेड टू द फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन कोर्स जो है वो बेसिकली 10th ऑफ जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। इसको थोड़ा सा हमने एक्सटेंड कर दिया, 5th जुलाई से स्टार्ट था, वो 10th से जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें बेसिकली हम लोग 1 ईयर का कंप्लीट कवरेज देंगे आपको, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों के परस्पेक्टिव से। इसमें आपका टेस्ट सीरीज होगा, मेंस और प्रीलिम्स दोनों का टेस्ट सीरीज होगा। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस प्रोग्राम होगा ये आपका। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन यूपीएससी मेंस है, केवल मेंस पढ़ना चाहते हैं उसके लिए भी हमारे पास एक कोर्स है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपके मेंस की अच्छी प्रिपरेशन होगी अलॉन्ग विद द आंसर राइटिंग। इसके अलावा हम बात करें यूपीएससी ज्योग्राफी ऑप्शनल 2024-25 के हिसाब से बात करें तो बैच जो है वो अभी 10th से स्टार्ट हो रहा है ह्यूमन ज्योग्राफी, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपका पेपर 1 पेपर 2 दोनों को दोनों जो है डिस्कस किया जाएगा कॉम्प्रिहेंसिवली, ठीक है। इसके अलावा इन तीनों कोर्सेज के जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आपने प्रोफाउंड आईएएस का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो इसी ऐप के थ्रू इन कोर्सेज को आप अवेल कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। इसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, ठीक है। इंडिया नीड्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। इससे पहले कि हम सिविल कोड के बारे में बढ़ें, हम आपको कुछ बता देना चाहते हैं कि ये सिविल कोड होता क्या है, सिविल कोड की क्या मतलब बात है। अगर आप मेरे डीएनए के रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता होगा, इससे पहले हमने कई एडिटोरियल डिस्कस किया है। जो पहली बार आए हैं उनके लिए बता दूं मैं कि जो आपका जो लॉ होता है उसको दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। एक होता है क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल साइड, ठीक है। दूसरा साइड होता है आपका सिविल साइड, ठीक है, सिविल साइड, ठीक। ऐसे सभी इंसिडेंट्स जिसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन चूंकि वो दो पार्टीज़ के वजह से नहीं, उसमें स्टेट भी इन्वॉल्व हो जाता है, जैसे कि थेफ्ट, चोरी। अब चोरी तो नहीं होना चाहिए था आपका सामान, लेकिन हो गया, तो स्टेट भी इन्वॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे सभी केसेस जिसमें स्टेट एक पार्टी बन जाता है वो क्रिमिनल साइड होता है, जैसे कि मर्डर, रेप, थेफ्ट। सिविल साइड होता है जिसमें दो लोगों के पर्सनल रिलेशनशिप के बेसिस पर होता है, उस पर स्टेट इन्वॉल्व नहीं होता है। जैसे कि लैंड डिस्प्यूट्स वगैरह हो गए, है ना, फैमिली लॉज हो गए, तो उसको सिविल साइड कहते हैं। तो सिविल साइड में आपका जो होता है पर्सनल लॉ आता है। पर्सनल लॉ का क्या मतलब होता है, जैसे एडॉप्शन है, सक्सेशन है, समझ रहे हो बात होगी नहीं, मैरिज है, डिवोर्स है, ये सारे जो मैटर होते हैं ना, सबके सब सिविल लॉज में आते हैं। देखिए भाई साहब, क्रिमिनल लॉ इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, किसी भी रिलीजन के हों, किसी भी कास्ट के हों, क्रिमिनल लॉ इंडिया में यूनिफॉर्म है। आप चाहे किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हों, अगर आपने एक पर्टिकुलर क्राइम किया है तो आपको सज़ा मिलेगी, वो भी एक तरीके से। ऐसा नहीं होगा कि हिंदू को कोई और सज़ा मिलेगी और मुस्लिम को कोई और सज़ा मिलेगी, क्रिश्चन को कुछ और मिलेगी। इरिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन, कास्ट, मतलब यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉज में या क्रिमिनल साइड में अगर आपने कोई ऑफेंस किया है तो सज़ा सेम है, समझ में आ रहा है। इसलिए वी हैव यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड, ठीक है, क्रिमिनल कोड है। लेकिन सिविल साइड में भी ज़्यादातर चीज़ों पर यूनिफॉर्मिटी आ गई है, लेकिन पर्सनल लॉज के मैटर पर, जैसे कि एडॉप्शन, मैरिज, डिवोर्स, इसमें आपने देखा होगा कि इसमें ना डिफरेंट रिलीजन के डिफरेंट डिफरेंट लॉज हैं। जैसे कि मुस्लिम्स का शरिया लॉ के हिसाब से चलता है, हिंदूज़ का जो है वो हिंदू कोड बिल है, क्रिश्चियंस का अपना पर्सनल लॉ है, तो इसमें अभी यूनिफॉर्मिटी नहीं आई है, ठीक है। इसी के लिए कहा जाता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, जिसे हम लोग यूसीसी भी कहते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक। और वैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है, आर्टिकल 44 में, उसमें ये कहते हैं कि स्टेट एस्पायर करना चाहिए कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ जाए। अब देखिए भाई, इतनी बातें मैंने आपको बेसिक बैकग्राउंड के साथ समझा दिया, अभी आर्टिकल क्या कहता है मैं आपको समझाता हूँ। ये एम वेंकैया नायडू जी ने लिखा था, जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। और एक पॉजिटिव एस्पेक्ट अगर आप यूसीसी में लिखना चाहते हैं अपने एसे में या फिर
अपने आंसर को बैलेंस करना चाहते हैं, क्योंकि निगेटिव तो हर आदमी लिखता है, तो ये एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है आपको? तो चलिए इसके देखते हैं एडिटोरियल में कहा क्या गया है। इसमें कहा गया है कि आपको कि एब्सेंस ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड होने के वजह से क्या होता है, परपिचुएट इनइक्वालिटी फैलती है। कैसे इनइक्वालिटी फैलती है? अब हिंदू का कोई अपना पर्सनल लॉ है, क्रिश्चियन का अपना पर्सनल लॉ है, तो अब भाई जैसे मुस्लिम के 4 शादियाँ हो सकती हैं, 4 मैरिज, पॉलीगमी इज़ अलाउड, हिंदूज में नहीं हो सकता है, तो फिर ये डिफरेंस आ गया दोनों में, है ना। ट्रिपल तलाक मुस्लिम्स में, जो कि हालांकि बैन कर दिया गया है, लेकिन वो ट्रिपल तलाक हिंदूज में नहीं है, तो फिर अब वुमेन डिस्क्रिमिनेटेड फील करती है। सपिंड विवाह हिंदुओं में है लेकिन मुस्लिम में नहीं है। समझ रहे हो विवाह, समझ रहे हो इस बात को? तो यहाँ पर क्या है कि ये बेसिकली अगर आपके पास यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है तो पर्सनल मैटर्स पर जो होगा या पर्सनल लॉज में आपका क्या होगा, डिफरेंट रिलीजन के डिफरेंट डिफरेंट लॉज होंगे, उसकी वजह से क्या होगा कि एक इनइक्वालिटी परपिचुएट करेगी। इसके वजह से क्या होगा, इनकंसिस्टेंसीज इन आर लैंड ऑफ रिच डाइवर्सिटी। हमारे यहाँ बहुत डाइवर्सिटी है। इंडिया में बात क्यों करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की? अगर केवल एक कम्युनिटी के लोग रह रहे होते तो कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात ही नहीं कर रहा होता, लेकिन चूंकि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं इसीलिए इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जाती है। और अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आता है तो ये कहीं ना कहीं इनकंसिस्टेंसी क्रिएट कर देगा हमारी रिच बायोडाइवर्सिटी में, जो कि नेशनल ग्रोथ एंड प्रोग्रेस में हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है हमारे लिए रिक्वायरमेंट है। समझ में आ गया, इन्होंने ये कहा। उसके बाद इन्होंने ना हिस्टोरिकल एग्जाम्पल लिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। उन्होंने कहा कि मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के फेवर में ही थे। सबसे बड़े तो बी आर अम्बेडकर ही फेवर में थे इस चीज़ के। समझ में आ रहा, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है। समझ रहे हो बातों की नहीं? तो यहाँ पर यही बात बताया कि आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हुआ कि नीड एंड ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो उसमें ये बात हुआ कि भाई इंडिया ऐसी कंट्री जहाँ इतनी डाइवर्सिटी है वहाँ पर हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए। समझ में आया? इससे क्या होगा कि जो जेंडर इक्वालिटी है और जो जितनी भी इन सोशल लेवल्स हैं वो सारे के सारे दूर हो जाएंगे। नहीं तो आपको पता होगा कि पर्सनल लॉज में कई सारे ऐसे लॉज हैं जो कि वुमेन को डिस्क्रिमिनेट करता है। समझ रहे हो? कई सारे सोशल लेवल्स भी प्रमोट होता है इसकी वजह से। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। बी आर अम्बेडकर ने एक स्टेटमेंट दिया था कि आई पर्सनली डू नॉट अंडरस्टैंड वाई रिलीजन शुड बी गिवन दिस वास्ट एक्सपेंसिव ज्यूरिडिक्शन सो एज टू कवर द होल ऑफ द लाइफ एंड प्रिवेंट द लेजिस्लेचर फ्रॉम इनक्रोचिंग अपॉन दैट फील्ड। इसके इन्होंने कहा क्या कहा कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, बी आर अम्बेडकर जी कहते हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों रिलीजन इतना ज़्यादा लोगों के मतलब लोगों के जीवन में घुसा हुआ है। समझ में आ रहा है? जिसके वजह से हम एक पर्सनल लॉ को यूनिफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, इस फील्ड में हम छू भी नहीं पा रहे हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि ज़्यादातर जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ होती है ना, उन्हें ये फियर होता है कि हमारे पर्सनल लॉज जो होते हैं, जो कि काफ़ी हद तक रिलीजन से रिलेटेड हैं, वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो जाएंगे मेजोरिटेरियन के इंटरेस्ट के सामने। समझ में आ रहा है? इस वजह से दे आर द वन हु ऑलवेज यू नो अपोज दीज थिंग्स। कुछ लोग जो हैं जो अपोज करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को। ठीक है, अक्सर लोग ये सोचते हैं कि पर्सनल लॉ, और अक्सर क्या यही होता ही है कि काफ़ी सारे जो हमारे पर्सनल लॉज होते हैं वो हमारे रिलीजन से डायरेक्टली कनेक्ट होता है। तो चूँकि हमारे यहाँ आर्टिकल 25 या 26 है जहाँ पर रिलीजियस प्रैक्टिसेस की बात की जाती है, तो वहाँ पर हम द्वारा फंडामेंटल राइट टू रिलीजन है, जहाँ पर राइट टू रिलीजियस प्रैक्टिस भी हमें इंश्योर किया गया है। तो अक्सर इस टाइप का जो यूनिफॉर्म कोडिफिकेशन है ना, वो हमारे राइट टू रिलीजन के अगेंस्ट माना जाता है, जबकि ये गलत है। जो पर्सनल लॉज होते हैं और रिलीजन, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, इन दोनों को आपस में नहीं कनेक्ट करना चाहिए, लेकिन ये किया जाता है क्योंकि काफ़ी हद तक पर्सनल लॉज जो हैं रिलीजियस प्रैक्टिस से डिराइव्ड हैं। समझ में आ रहा है? इन्होंने ये बोला, इन्होंने बोला कि लिबर्टी इन ऑर्डर टू रिफॉर्म आर सोशल सिस्टम विच इज़ सो फुल ऑफ इनइक्वालिटी। इन्होंने बोला कि हमें इस चीज़ की लिबर्टी होनी चाहिए कि हम जो है ऐसे सोशल सिस्टम्स जिसमें इतनी सारी इनइक्वालिटीज़ हैं उनको हम लोग जो है रिफॉर्म ला सकें इस चीज़ के। समझ में, इतनी इनइक्वालिटीज़, इतनी इनइक्विटीज़ हैं, इतने सारे डिस्क्रिमिनेशंस हैं, समझ में आ रहा है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हैं, इसके बावजूद हम लोग इसको अभी तक रिफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। इतना ही नहीं किया, मुंशी जी ने भी कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट। इन्होंने बोला कि ये कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करेगा और यूनिफाई करेगा आर पर्सनल लॉज को, ताकि हम जो है लाइफ अब डिग्निफाइड मैनर में जी सकें। और इतना ही नहीं,
कंट्री एज अ होल ग्रो कर सके, समझ में आ रहा है, ये बात ध्यान रखिए, कंट्री एज अ होल यूनिफाई हो सके, कंट्री एज अ होल सेकुलर हो सके, समझ में आ रहा है। इन्होंने ये बोला, और इन्होंने बोला कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि लोग इस बात पर रिलीजन क्यों ले आते हैं। देखिए उनकी स्टेटमेंट है, व्हाट हैव दीज थिंग्स गॉट टू डू विद द रिलीजन, आई रियली फेल टू अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है, के एम मुंशी जी ने ये बात कहा है। तो आप बोल सकते हैं कि बी आर अम्बेडकर और के एम मुंशी जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स, ये हमारे जो जो फॉरफादर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशनल फॉरफादर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल फेमस थे, उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो है बड़ी सराहना करी है और उसको प्रमोट करने की बात कर, शायद यही कारण है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को आर्टिकल 44 में जगह मिला, जिसमें हमें ये कहा गया है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट दिया गया, हालांकि आर्टिकल 44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आता है जो कि नॉन जस्टिसिएबल है, पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि DPSP जिसे आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, इट इज़ फंडामेंटल टू द गवर्नेंस, स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो DPSPs को इम्प्लीमेंट करे, और आर्टिकल 44 में ये बात कहा जाता है कि आपको जो है हर सिटीजन को, मतलब कि अक्रॉस द रिलीजन, अक्रॉस द फेथ प्रैक्टिस एंड समझ में आ रहा है, उनके जो पर्सनल लॉज है वो यूनिफाई होने चाहिए, इससे स्टेट एस्पायर करे कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड अचीव करे। अच्छा यही नहीं, केवल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही ये बात नहीं कहता, इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी वेरियस जजमेंट में इस बात को कहा है, उन्होंने साहबानो केस में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात कही थी, जिसमें आप बेसिकली साहबानो केस, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ कि देर वॉज अ मुस्लिम वुमेन जिनको ट्रिपल तलाक दे दिया गया था, और बहुत कम उनमें ये होता है कि इद्दत से बिद्दत यानी 90 डेज तक ही मेंटेनेंस दिया जाता है, तो साहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मेंटेनेंस रीजनेबल अमाउंट का होना चाहिए और कोई जरूरी नहीं है कि बिद्दत पीरियड तक ही मिले, समझ रहे हो बात को। बाद में इस जजमेंट को रिवर्स कर दिया गया थ्रू दी लेजिस्लेशन डन बाय दी प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी एट दैट टाइम, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, ठीक है, ये बात तो इस वजह से थोड़ा सा ये नलीफाई हो गया, लेकिन साहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बार बार कहा था, इन्होंने कहा था कि द राइट टू रिलीजियस फ्रीडम इज टू बी एक्सरसाइज इन द मैनर कंसोनेंट विद द विजन अंडरलाइंग द प्रोविजंस ऑफ पार्ट थ्री, इन्होंने कहा है कि आपका जो राइट टू रिलीजियस फ्रीडम है वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट के एसेंस पर ही फॉलो करना चाहिए, समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं कर सकते कि वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो जाए, ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिर उन्होंने बोला कि UCC कहीं ना कहीं एक तरह का डायरेक्शन, एक तरह का राइट डायरेक्शन है और एक लॉन्ग ओवरड्यू लेजिस्लेशन है जो अभी तक नहीं कर पाए हैं हम, तो एक तरह का टास्क है गवर्नमेंट के सामने ताकि वो सोशल इनइक्वालिटीज़ और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को हटा सके, समझ में आ रहा है। इन्होंने यही बोला कि कई बार ऐसा होता है ना कि कई सारे जो मैंने कहा ना आपको माइनॉरिटीज कम्युनिटी और बहुत सारे लोगों में उनके दिमाग में डाउट रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे रिलीजन में कुछ ऐसे यूनिफॉर्म सिविल कोड में कुछ ऐसा जो हमारे रिलीजन के अगेंस्ट हो। इन्होंने बोला है कि रादर देन ये डाउट अपने दिमाग में रखा जाए, मतलब रखने के बजाय, ये डाउट अपने दिमाग में रखने के बजाय हम बेहतर हो कि डेलिब्रेट करें, डिस्कस करें और एक कॉमन लॉ पर आने की कोशिश करें, एक कंस्ट्रक्टिव इंगेजमेंट होना चाहिए रादर देन डिस्ट्रक्टिव इंगेजमेंट कि होने ही नहीं देंगे, समझ में आ रहा है, क्योंकि देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो फिर इसे आना चाहिए और ये सही भी है क्योंकि इसके बहुत फ़ायदे हैं, क्योंकि कई सारे, एक तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है और सोशल लेवल्स फैले हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट पर्सनल लॉज में, इसके अलावा कोर्ट के सामने भी बहुत सारे केसेस पेंडिंग रह जाते हैं क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट लॉज डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है, समझ में आ रहा है, इसीलिए कोर्ट टाइम एंड अगेन ये कहती रहती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट किया जाए। इसके बाद इन्होंने बोला कि ओवर आर्चिंग ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर दैट देर शुड बी नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, एवरी वन इंजॉय देयर फंडामेंटल राइट, अगर कोई ऐसा पर्सनल लॉ किसी जेंडर को डिस्क्रिमिनेट करता है तो वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जा रहा है, समझ में आ रहा है। हालांकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आर्टिकल 13 में जिसमें कहा जाता है लॉ शब्द इस्तेमाल किया गया है कि ऐसा कोई लॉ जो फंडामेंटल राइट वायलेट करता है वो कहीं ना कहीं मतलब कि वो लॉ नल एंड वाइड हो जाता है अगर फंडामेंटल राइट वायलेट करता है, उस लॉ के डेफिनेशन में पर्सनल लॉज नहीं आता है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बोला कि यूनिफॉर्मिटी इन पर्सनल लॉ जो है वो एक इसेंशियल है फॉर एम्पावरिंग वुमेन एंड इंश्योरिंग जेंडर इक्वालिटी इन मैटर्स ऑफ मैरिज डिवोर्स एंड इनहेरिटेंस, तो वुमेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मैरिज डिवोर्स, आपने देखा होगा ट्रिपल तलाक के केस में और बहुत सारे चीज़ों में हम लोगों ने इस चीज़ को देखा है। इन्होंने कहा कि हम UCC के थ्रू इस तरह की डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस को हटा सकते हैं और वुमेन को जो वुमेन को डिप्राइव करती है डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस उसको हटा सकते हैं,
और हम सोशल कोहेजन और नेशनल इंटीग्रेशन ला सकते हैं। इतना ही नहीं, हम कॉन्स्टिट्यूशनली कंप्लाइंट भी बनेंगे इस चीज़ से, इसके थ्रू प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, जेंडर इक्वालिटी, सेकुलरिज्म भी इंश्योर कर पाएंगे। समझ में आ रहा है, ये आर्टिकल में ये कहने की कोशिश किया गया। तो ये आर्टिकल पॉजिटिव पॉइंट्स के परस्पेक्टिव से बड़ा इंपॉर्टेंट सा आर्टिकल है। तो इन्होंने क्या कहा आपको, इन्होंने कहा कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड, अब टाइम आ गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए, ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड में। तो इसका क्या रीजन इन्होंने बताया, इसके थ्रू क्या हो सकता है, डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस हट सकता है, ठीक से हटाया जा सकता है। इसके अलावा जेंडर जस्टिस क्रिएट किया जा सकता है, इसके थ्रू नेशनल इंटीग्रेशन क्रिएट किया जा सकता है, कॉमन लॉज हो सकता है, तो जुडिशरी के लिए ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, आर्टिकल 44 है, ठीक है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर थे, चाहे वो बी आर अम्बेडकर जी रहे हों, चाहे वो के एम मुंशी जी रहे हों, दोनों ने फेवर किया था यूनिफॉर्म सिविल कोड को। समझ में आ रहा है, आपको समझना होगा कि पर्सनल लॉ हैज़ नथिंग टू डू विद दी, पर्सनल लॉ इज हैज़ नथिंग टू डू विद दी आपका क्या है, रिलीजन, ठीक है। तो इसीलिए हमें सभी कमेटी को चाहिए कि वो डेलीबरेट करें और यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपसे कि what are the issues and prospects of UCC, ठीक है, in the country like India, आपसे पूछ सकता है, ठीक है। आप ये काम करना, 150 वर्ड्स में लिखना है इसको, और आपका 10 मार्क्स का होगा ये, ठीक। चलो नेक्स्ट, इंटरनेशनलाइजिंग द रूपी विदाउट द क्वाइन टॉसिंग, इसका क्या मतलब होता है, इंटरनेशनलाइजिंग द रूपी का क्या मतलब है। इंटरनेशनलाइजिंग ऑफ द रूपी का मतलब है कि यूरोपी शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, ग्लोबली एक्सेप्टेबल, हार्ड करेंसी बन जाए, कोई भी कंट्री जो है उसे इस्तेमाल कर सके। जैसे डॉलर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, युआन इस्तेमाल कर सकते, जिसे रेनमिनबी भी कहते हैं आप, येन कर सकते हैं, तो अक्रॉस द मार्केट्स में वो एक्सेप्टेबल हो। समझ में आ रहा, इसको इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी कहते हैं। तो सवाल उठता है कि क्या इंडिया में इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी है, या पहले था या अब है, क्या है, मतलब क्या स्टेटस है, और अगर नहीं है तो क्या कैसे करेंगे हम, इसी के बारे में बात किया गया। इन्होंने बोला कि 1950s के दौरान में हमारी जो भारतीय करेंसी थी वो बड़ा लार्जली एक्सेप्टेबल था, इवन जो वहाँ की जो ये एक तरह का लीगल कंट्री था कई सारे गल्फ कंट्रीज में, जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि UAE हो, कुवैत हो, बहराइन हो, ओमान हो, कतर हो, इन सब जगहों पर 1950s में इंडियन रूपी लीगल टेंडर था, यानी कि वहाँ पर आप इस्तेमाल करके चीज़ें खरीद बेच सकते थे, ठीक है। इसके बाद इन्होंने बोला कि द होल्डर ऑफ द इंडियन करेंसी, अब उसके बाद थोड़े ही दिन बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया कि गल्फ कंट्रीज़ के लिए 1959 में एक अलग से गल्फ रूपी निकाल दिया। समझ में आ गया कि नहीं, तो फिर इंडियन करेंसी वाले जो भी गल्फ कंट्री में थे उनके लिए गल्फ रूपी निकाला, तो फिर उसके लिए उन्होंने एक्सचेंज भी किया उस चीज़ के साथ, मतलब जिनके पास रूपी था गल्फ कंट्री में जो लोग थे उनको कहा कि भाई आप रुपी दे दीजिए, आप गल्फ का रुपी इस्तेमाल करिए, ठीक है। फिर उन्होंने ये किया, फिर उसके बाद 1966 में क्या हुआ कि इंडिया ने डिवैल्यू कर दिया अपनी करेंसी को, डिवैल्यू किया गया ड्यू टू द इंटरनेशनल प्रेशर। अब मैं उतना अंदर घुसना नहीं चाहता हूँ, उस समय में इंदिरा गांधी गई थी तो फिर रुपी डिवैल्यू करके आ गई थी, हालांकि कैबिनेट में बड़ा होर हंगामा हुआ था, समझ में। तो इंडियन करेंसी जो थी वो डिवैल्यू हो गई, ठीक है। तो डिवैल्यू जब किया गया वहाँ पर, तो फिर इससे क्या हुआ कि धीमे धीमे जो है जो वेस्ट एशियन कंट्रीज था उन्होंने कहा कि भाई गल्फ रुपये हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखिए, अगर किसी चीज़ की वैल्यू, मान लीजिए आप गोल्ड अपने पास रखे हुए हैं,
और आपको पता चले कि भाई गोल्ड का रेट तो घट रहा है, तो आप क्या कहोगे, भैया हम नहीं रखेंगे, इसका तो वैल्यू घट रहा है, तो आप क्या कहोगे, बेच दो बेच दो। तो वैसे ही जब इंडियन रुपी की वैल्यू घटने लगी तो फिर उन्होंने कई सारे वेस्टर्न कंट्रीज ने क्या किया कि कहा भाई हम रुपी नहीं रख रहे हैं। तो आपने क्या सीखा इससे कि जब भी किसी भी करेंसी का डिवैल्यूएशन होगा तो उससे पब्लिक कॉन्फिडेंस कम हो जाता है उस करेंसी पर, तो फिर आप उससे इंटरनेशनलाइजेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो यानी कि डिवैल्यूएशन नहीं होना चाहिए, डिवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर दूसरी बात कि हमने देखा कि 2000 रुपये का नोट जो है वो 2023 में हटा दिया गया, डिमोनेटाइज ही कर दिया गया, ऑलमोस्ट विड्रॉ कर दिया गया। 2016 में एक वाइड स्केल डिमोनेटाइजेशन हुआ जिसमें 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट को हटा दिया गया। अब इससे क्या हुआ कि जो नेपाल और भूटान जैसी कंट्रीज थे उनके बड़ा दिक्कत हुआ सर, उनके तो पैसे नहीं एक्सचेंज हो पाए, समझ रहे बातों की नहीं। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या करता है, पब्लिक ट्रस्ट कम करता है। मान लीजिए आपकी करेंसी कोई यूज़ कर रहा है दूसरी कंट्री में, अब पता चला आपने यहाँ डिमोनेटाइज कर दी, अब वो अगली कंट्री से कैसे आएगा इस पैसे को एक्सचेंज कराने, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो डिमोनेटाइजेशन इज अ सेकेंड फैक्टर जो कि पब्लिक कॉन्फिडेंस कम करता है, एक डिवैल्यूएशन, दूसरा डिमोनेटाइजेशन, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। अब इन्होंने बोला है कि इंडियन रुपी का बहुत कम इंटरनेशनल डिमांड है। इन्होंने कहा कि अगर आप एवरेज शेयर ऑफ रुपी देखें अगर अक्रॉस द वर्ल्ड तो केवल 1.6% है। फिर उन्होंने बोला कि अगर इंडियन शेयर ऑफ ग्लोबल गुड देखें तो 2% है। देखिए किसी भी कंट्री का अगर इंटरनेशनलाइजेशन होना है उसकी रुपी का, उसकी करेंसी का, तो एक बात मैं आपको बता दूं, उस कंट्री का ट्रेड वाइड स्प्रेड होना चाहिए, यानी कि वो कंट्री एक्सपोर्ट भी खूब कर रहा हो और इंपोर्ट भी खूब कर रहा हो, तभी कोई आपकी करेंसी लेगा। आप मेरी बात को ध्यान से समझिए। देखिए अगर मान लीजिए मैंने ईरान को से ट्रेड करना है, ठीक है, तो अब क्या होगा कि मेरे पास ट्रेड करने के लिए सामान भी होना चाहिए, तभी ना मैं ये कहूँगा कि ये काम कर कि तू मेरे से, मतलब तेरे यहाँ, मतलब ईरान के पास ऑयल है, इंडिया कहेगा कि मुझे ऑयल दे दीजिए मैं आपको रुपी देता हूँ। अगर मेरे पास कुछ एक्सपोर्ट करने के लिए होगा ही नहीं तो वो रुपी क्यों एक्सेप्ट करेगा। आप मेरी बात को जरा ध्यान समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। मान लीजिए ये है इंडिया और ये है ईरान, ठीक, ईरान करती है एक्सपोर्ट ऑयल, ठीक, बदले में इंडिया ने कहा कि चलिए मैं आपको रुपी देता हूँ, ठीक है, तो अब ईरान रुपी क्यों एक्सेप्ट करेगा? एक ही शर्त पे एक्सेप्ट करेगा कि इंडिया भी कुछ इसको एक्सपोर्ट करे, समझ रहे हो, जिसको खरीदने के लिए ईरान कहेगी ठीक है आप रुपए ले लीजिए। आप बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो एक कंट्री का रोबस्ट ट्रेड होना चाहिए, एक रोबस्ट ट्रेड प्रेजेंस रहेगा तभी जाकर वो इंटरनेशनलाइज होगा, नहीं तो कोई भी आदमी क्यों रुपी रखेगा भाई किसी दूसरे का, ताकि वो रुपी में ट्रेड कर सके, है ना, ये बात आप समझिए। तो यहीं पर बोला है कि भाई इंडिया का जो गुड्स का डिमांड है वो अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत कम है, 2% है प्रेजेंस ऑफ ग्लोबल गुड का, और मार्केट अगर वैल्यू देखें आप पैसे का तो वो 1.6% है, तो यानी कि डिमांड कम है इंडियन रुपीज़ का। फिर उन्होंने बोला कि एक्सटर्नल को समझ रहे बात होगी नहीं, इसके अलावा इन्होंने और भी कुछ बातें करी है कि कुछ अभी आजकल कुछ ऐसे मेजर्स लिए जा रहे हैं जिससे इंटरनेशनलाइजेशन को प्रमोशन हो रहा है। जैसे कि इन्होंने एक एग्जांपल लिया कि अभी हमने वॉस्ट्रो अकाउंट लिया, जिन बच्चों को वॉस्ट्रो अकाउंट नहीं पता, समझ रहे हो बात को, जिन बच्चों को वॉस्ट्रो अकाउंट नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि एक तरह का इंटरनेशनल सेटलमेंट है दो कंट्रीज़ के बीच में बैंक्स का, ठीक है। तो अभी जो हम लोगों ने रशिया के साथ वॉस्ट्रो अकाउंट किया है वो एक तरीका है, आप अपनी कंट्री का पैसा इंटरनेशनलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, इंडिया ने कई सारी कंट्रीज़ के साथ जो है वो बेसिकली करेंसी स्वैप वगैरह भी किया है, ठीक है, जैसे कि इन्होंने यूएई, श्रीलंका, मॉरिशियस में, ठीक है, मेजर टू ट्रेड विद 18 कंट्री विद रूपी इंस्टीट्यूटेड, मतलब कुछ ऐसी कंट्रीज़ भी हैं जिनके साथ ये रूपी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, जैसे कि वो है आपका श्रीलंका है, मॉरिशियस है, यूएई, इनफैक्ट करेंसी स्वैप भी हुआ है। करेंसी स्वैप क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि बाद में मुझे दिक्कत ना हो। देखो क्या होता है करेंसी स्वैप, करेंसी स्वैप का मतलब होता है कि मान लीजिए कि एक्स और वाई दो कंट्री हैं, ठीक है, तो मान लेते हैं एक्स और वाई दो कंट्री है, तो मैं मान लेता हूँ कि एक्स इज़ इंडिया, ठीक है, इंडिया, और मान लेते हैं वाई जो है वो श्रीलंका ले लेते हैं, ठीक है। तो करेंसी स्वैप का मतलब ये हो गया कि इंडिया ने क्या किया कि भाई तुमको इसको दे दिया कि ऐसा है कि तुम रुपये ले लो, ठीक है, और थोड़े दिन बाद मुझे तुम जो है अपनी करेंसी में तुम मुझे अब ये जो तुमने रुपए लिए हैं एक्सचेंज रेट के हिसाब से तुम अपनी करेंसी में मुझे पे कर देना, ये करेंसी स्वैप है। तो बहुत सारी कंट्री के साथ करेंसी स्वैप भी किया इंडिया ने, और कई सारी कंट्री के साथ ट्रेड भी इंडिया जो है रुपी में कर रही है, जैसे कि श्रीलंका के साथ ट्रेड जो है इंडिया रुपी में कर रही है, तो डॉलर को बाईपास किया हुआ है।
तो वो कह सकते हो आपकी एक तरह का इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी है, लेकिन फिर भी ये मेजर्स बहुत कम हैं। आज भी हम देखो रशिया के साथ सेंक्शन लगा हुआ है, लेकिन आज भी हम रशिया के साथ जो ट्रेड कर रहे हैं ऑयल का, वो डॉलर में कर रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। अगर आप इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी की बात करते हैं, तो इसका मतलब साफ साफ ये होना चाहिए कि अगर रशिया, जिन पर इतना सेंक्शन लगा हुआ है, जिस कंट्री ने सेंक्शन लगाया है उसकी करेंसी के साथ आप ट्रेड कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है, समझ में आ रहा है। तो कोशिश करना चाहिए कि दो कंट्रीज़ के बीच में जितना ज़्यादा हो सके तो आपस की करेंसी में ही एक्सचेंज हो, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। अब इस केस में इन्होंने कहा कि क्यों इंडियन करेंसी उतना ज़्यादा जो है मतलब इंटरनेशनलाइज नहीं हुआ है अभी, तो उसके एक तो रीज़न मैंने बताया था कि ग्लोबल प्रेजेंस ही कम है। दूसरा क्या है कि अभी हमारी करेंसी फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं है। अब क्या मतलब होता है फुल्ली कन्वर्टेबल, देखिए अगर मुझे ट्रेड करना होगा तो मैं कितना रुपए को डॉलर में बदल सकता हूँ, डॉलर को मैं रुपए में बदल सकता हूँ, ठीक है, रुपए को डॉलर, डॉलर से रुपए में बदल सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे लोन लेना होगा, समझ में आ रहा है, तो मैं कितना भी अमाउंट का पैसा जो है डॉलर में नहीं बदल सकता या डॉलर से रुपए में नहीं बदल सकता, ठीक है। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ करेंट अकाउंट तो कन्वर्टेबल है, लेकिन कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबल नहीं है, लोन वोन हम लोग आराम से दे नहीं सकते हैं, तो इस केस के वजह से फुली कन्वर्टेबल रुपी नहीं है। और अगर एक करेंसी को इंटरनेशनलाइज होना है तो उसकी करेंसी को फुली कन्वर्टेबल भी होना पड़ेगा, ये बात आप ध्यान रखिए। हालांकि बहुत सारी कमेटी ने, तारापुर कमेटी और बहुत सारी कमेटी ने कहा है इनको कि आप अपनी करेंसी को फुली कन्वर्टेबल करिए, वो ज़रूरी होता है, समझ में आ रहा है आपको, ये बात ध्यान रखिएगा। तो हमारी कंट्री ने क्यों नहीं किया, तो भाई एक्चुअली 1990s की बात अगर हम लोग करें तो साउथ ईस्ट एशिया ने फुली कन्वर्टेबल किया था, तो क्या हो जाता है ना, मनी बहुत वोलेटाइल हो जाता है, तुरंत आपकी करेंसी कंट्री में बहुत ज़्यादा डॉलर आ जाएगा, कभी बहुत निकल जाएगा, तो इससे क्या होता है कि एक्सटर्नल मार्केट जो होता है ना वो बहुत वोलेटाइल हो जाता है, इस वजह से नहीं है ऐसा, ठीक है। हालांकि हम चाइना के एक्सपीरियंस से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, चाइना ने अपनी करेंसी को जो है बहुत रिसेंट में इंटरनेशनलाइज किया है, उसको उन्होंने 3-4 रीज़न बताए हैं जो बड़ा सही मुझे बताया इन्होंने। इन्होंने क्या कहा कि सबसे पहला जो चाइना ने किया वो किया कि उसने रिनमिंबी को चाइना ने करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल किया। अब देखो एक बात और भी मानना पड़ेगा, चाइना जो है वर्ल्ड में ट्रेड बहुत ज़्यादा करती है, उसके पास बहुत मैन्युफैक्चरिंग है, तो इस वजह से वो ट्रेड एक्सपोर्ट भी कर सकती है, समझ रहे हो बातों की नहीं, और इम्पोर्ट भी कर सकती है चीज़ों को, तो वो जो भी करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन कर रही है वो सब रेनमिंबी में युआन के साथ कर रही है, एक तो उन्होंने ये किया। दूसरा 2009 में इसने करेंसी स्वॉप अग्रीमेंट साइन किया कि भैया मैं तुम्हें अगर लोन भी दूंगा तो चाइनीज़ युआन में दूंगा, बदले में तुम मुझे जो पैसा दोगे अपनी करेंसी में दे दोगे, तो उसके वजह से क्या हुआ कि वाइडली एक्सेप्टेबल हो गया, आप जितना ज़्यादा करेंसी स्वॉप दूसरे कंट्री के साइन करेंगे उतना ज़्यादा आपका इंटरनेशनलाइजेशन होगा, लेकिन उसके लिए बहुत कंडीशंस होते हैं कि आपका भी सामान बिकना चाहिए, समझ लो बातों की नहीं। तो यहाँ पर ब्राज़ील, यूनाइटेड किंगडम, उज़्बेकिस्तान, थाईलैंड, इन सब के साथ करेंसी स्वॉप अग्रीमेंट किया है इन्होंने, ठीक है, और इसके थ्रू इन्होंने कई सारे जो है बॉन्ड्स भी इशू किए जो कि यूरो बेस्ड, जो कि रेनमिंबी बेस्ड, मतलब युआन या रेनमिंबी, चाइनीज़ करेंसी को युआन भी कहते हैं, रेनमिंबी भी कहते हैं, तो रेनमिंबी बेस्ड डेट सिक्योरिटीज भी इशू किया। इतना ही नहीं, जितने भी ट्रेडिंग वगैरह होते थे नॉन रेसिडेंट शोर ऑफ शोर अकाउंट सब का जो है उन्होंने करेंसी जो है युआन ही रखा, समझ में आ रहा है। जब हर जगह आपका युआन युआन दिखाई देगा और खुद आपका ग्लोबल प्रेजेंस स्टेट में बहुत ज़्यादा है, तो आपकी करेंसी अपने आप ही जो है वो क्या बन पाएगी, इंटरनेशनलाइज हो जाएगी, समझ में आ रहा है। और यही देखिए आपकी वर्ल्ड में आज की डेट में लोग युआन को एज अ रिजर्व इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि 2.88% है, ये बात ध्यान रखिए। तो इन्होंने कहा कि इन्हीं रिफॉर्म्स को हम भी परस्यू कर सकते हैं, हमारे यहाँ भी रूपी बॉन्ड है उसको और पॉपुलराइज करिए, हम भी करेंसी स्वॉप अग्रीमेंट साइन कर सकते हैं, हमें भी करना चाहिए, समझ लो, हमने चाइना के साथ किया है, सॉरी हमने श्रीलंका के साथ किया है कि भाई डॉलर बेस्ड भी किया है करेंसी स्वॉप अग्रीमेंट और रुपी बेस्ड। देखिए करेंसी स्वॉप का मतलब है मैंने तुम्हें करेंसी दिया, बदले में तुम मुझे अपनी करेंसी दो, अब मैं आप तुम्हें करेंसी डॉलर भी दे सकता हूँ, अपनी करेंसी भी दे सकता हूँ, समझ रहे हो बातों की नहीं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा RBI ने डीपर एंड मोर लिक्विड रुपी बॉन्ड इशू किया मार्केट में, समझ रहे हो बातों की नहीं। इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए कि अगर कोई भी आदमी अपना, कोई भी ट्रेडर जो अपने अकाउंट सेटल करता है पैसे सेटलमेंट करता है, अगर वो रुपी में सेटल करेगा तो उसको कुछ टैक्स छूट मिलेगी, समझ में आ रहा है, तो उससे क्या होगा, इनकरेजमेंट मिलेगा इससे। तो ये सारे मेजर्स लेकर हम क्या कर सकते हैं,
हम अपने पैसे को इंटरनेशनलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या पॉइंट हमें मिला इसमें भाई साहब, कि पॉइंट्स टू बी नोटेड, सबसे इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी, मैं IOIR बोलूंगा। ठीक है, इसमें क्या है कि 1950s में और 60s में गल्फ कंट्रीज के बीच हमारा जो पैसा था वो लीगल टेंडर हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है। ठीक है, तो व्हाट आर द इश्यूज, क्यों हमारा पैसा जो है इंटरनेशनलाइज नहीं है, क्योंकि हमारे पैसे की डिमांड कम है, ग्लोबल प्रेजेंस कम है। ठीक, करीब करीब 1.6% बता रहे हैं, ट्रेड भी हमारा कम है, ट्रेड भी लेसर साइड में है। ठीक है, हालांकि कुछ मेजर्स हमने ऐसे लिए हैं जो ये दिखाता है कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी की तरफ जा रहे हैं, जैसे कि हमने रुपी बॉन्ड इशू किया है, मसाला बॉन्ड, रुपी बॉन्ड। दूसरा, हम लोगों ने वॉस्ट्रो अकाउंट चैन रशिया के साथ किया सेटलमेंट के लिए, लेकिन इससे नहीं होगा, अभी भी हमारा ग्लोबल प्रेजेंस काफ़ी कम है। देखिए, अगर हम रशिया से ही ट्रेड करते हैं तो रशिया के साथ जो हम ट्रेड कर रहे हैं वो अभी हम किसके साथ कर रहे हैं, डॉलर में कर रहे हैं। सर, क्या मतलब बनता है इस चीज़ का, कम से कम रशिया आपका इतना टाइम टेस्टेड पार्टनर, इससे तो रुपये में करिए, लेकिन हम लोग नहीं कर रहे हैं, है ना, ये चीज़ एक प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर हम लोग चाइना का एग्जाम्पल ले सकते हैं, चाइना ने क्या किया, करेंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी लाया, हमें भी करेंट अकाउंट कन्वर्टेबल करना चाहिए, हमारा पैसा कन्वर्टेबल नहीं है, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कन्वर्टेबल नहीं है हमारा पैसा, कन्वर्टेबिलिटी नहीं है, फुल कन्वर्टेबिलिटी नहीं है। तो करेंट अकाउंट कन्वर्टेबल होना चाहिए एक तो, दूसरा कि जो भी ट्रेड सेटलमेंट है वो हमें चाइना जैसे RMB यानी RMB में करता था, हमें भी इसी में करना चाहिए, है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। इसके अलावा इतने डेट सिक्योरिटीज इशू किए, वो भी हमें कर सकते हैं, है ना, ये चीज़ ध्यान रखिए। इंडिया के केस में हम क्या कर सकते थे, और एक्स्ट्रा मेजर्स, जो ट्रेडर रुपी में सेटलमेंट करेगा हम उन्हें क्या कर सकते हैं, टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आप कहेंगे सर ये बताइए, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सर हमारी करेंसी एज ए रिजर्व इस्तेमाल किया जा सकता है, हम बहुत सारे, हमारी डॉलर पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, समझ में आ रहा है आपको कि नहीं, हम अपनी करेंसी में दूसरे से एक्सचेंज कर पाएंगे, हमारा जो ट्रेड होगा वो बढ़ जाएगा, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, इम्पोर्ट बढ़ जाएगा, सर बहुत फ़ायदे हैं उसके होने के। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी इज द विजन फॉर न्यू इंडिया। ठीक है, डिस्कस द इश्यूज एंड सजेस्ट मेजर्स। ठीक है, 250 वर्ड्स, 15 मार्क्स। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। इसके बाद अगला एडिटोरियल है, लिमिट्स ऑफ एक्सपेंशन। देखिए क्या है इसमें, इन्होंने क्या बोला है कि देखो, पहले तो इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, मैंने इससे पहले भी बताया था लेकिन मैं आपको बता देता हूँ चीज़ें क्या होता है। देखो, किसान जब किसी भी क्रॉप को ग्रो करता है तो उसके पास दो सोल्यूशन है, दो मार्केट करने के दो तरीके हैं, या तो वो ओपन मार्केट में बेच दे या वो सरकार को दे दे। अब सरकार खुद तो खरीदेगी नहीं, तो सरकार की तरफ से खरीदने वाला कौन होता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक, किस रेट पर खरीदती है, MSP पर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का क्या काम है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, इसका क्या काम है, डिफरेंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में खाने को पहुंचाना, समझ लो बातों की नहीं। अक्सर क्या होता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बहुत सारा राइस और वीट जो है वो प्रोक्योर तो कर लेती है और PDS में उतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, तो जो बच जाता है उसको ये ओपन मार्केट सेल करती है, ओपन मार्केट सेल स्कीम करके है इसका, इसको OMSS बोलते हैं,
ओपन मार्केट सेल करती है, इसके लिए क्या होता है, ई ऑक्शन किया जाता है। आप ये बात समझ लीजिए, ठीक है। तो कोई भी ट्रेडर आएगा और उसको खरीद लेगा एफसीआई से। अब यहाँ पर एक बवाल है, इसमें पहले ये ओएमएसएस में ये था कि पहले चाहे तो स्टेट भी आकर जो है ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत जो है एफसीआई से खरीद सकती थी, वो भी बिना ऑक्शन किए। अभी रिसेंटली जून महीने में ही एक अमेंडमेंट आया इस स्कीम में और बोला गया कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ओपन मार्केट सेल स्कीम्स के तहत जो फूड है उसको नहीं खरीद सकती। इनफैक्ट कोई प्राइवेट ट्रेडर भी जो है स्टेट को नहीं देगा, अगर देगा तो फिर वो पिनलाइज किया जा सकता है। ये आ गया। अब इसके वजह से क्या है ना, स्टेट्स प्रॉब्लम में आ गए। आप बोलो क्यों स्टेट प्रॉब्लम में आएगी भाई, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट तो है ही, उसके तहत तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को भेज ही रही है अनाज, समझ लो सब्सिडाइज रेट में, पाँच के जी अनाज पर पर्सन मिल ही रहा है, तीन रुपये, दो रुपये, एक रुपये के हिसाब से, तो फिर स्टेट क्यों प्रॉब्लम है? भाई साहब, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो सेंट्रल गवर्नमेंट भेज रही है उसके अलावा भी कई सारी स्टेट गवर्नमेंट की अपनी स्कीम्स भी हैं, समझ में आ रहा है? अब उसमें भी राइस और वीट चाहिए होगा तो वो कहाँ से लाएगी जब ये फूड्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया देगी ही नहीं। जैसे कर्नाटका का ही एक एग्जाम्पल है, वो कहाँ से देगी, उसके अब तो अपना भी एक स्कीम है ना, तो उसी को लेकर बवाल मचा हुआ है, समझ में आ रहा है? ये बात ध्यान रखिए। तो ऐसा स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्यों बोला कि भाई ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है नहीं परचेस कर सकती, ऐसा इसलिए बोला क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई हम तुम्हें चावल तो दे ही रहे हैं, वीट तो दे ही रहे हैं, अब हमें मतलब नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम के तहत, हम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो है हम 80 करोड़ लोगों को तो फीड कर ही रहे हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी तो 140 करोड़ लोगों को है ना, तो बाकी जो 60 करोड़ लोग हैं उनको कैसे मिलेगा अगर हम नहीं बेचेंगे तो, समझ रहे हो बातों की नहीं? लेकिन एक थोड़ी सी बात को समझिए, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए होगा अनाज तो वो तो लेगी ही कहीं ना कहीं से, तो अगर कहीं से भी लेगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट तो ले ही लेगी अनाज। तो भाई जब अनाज स्टेट गवर्नमेंट ले ही लेगी तो अनाज तो कम हो ही जाएगा, तो वैसे भी इन्फ्लेशन हो ही जाएगा, जिस इन्फ्लेशन को रोकने के लिए ये ऐसा कर रहे हैं वो तो इन एनी केस हो जाएगा। वही इस आर्टिकल में बताने की कोशिश की गई है। इस आर्टिकल में इन्होंने क्या कहा है, इस आर्टिकल में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि एक्शन प्लान फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ द कोर्स ग्रेन एंड दिस, इन्होंने बोला है कि ऐसा है कि ओपन मार्केट सेल स्कीम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, ये कहीं ना कहीं फूड रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है, ठीक है। यूनियन फूड मिनिस्टर जो पीयूष गोयल ने था, उन्होंने बार बार बोला कि भाई किसी भी तरीके से जो है स्टेट गवर्नमेंट को नेशनल फूड सिक्योरिटी के तहत तो हम अनाज दे ही देते हैं, ठीक है, तो 80 करोड़ लोगों को फीड कर ही देते हैं, अब फूड कॉरपोरेशन इंडिया के थ्रू हम ओपन मार्केट सेल ऑपरेशन करके हम उस 60 करोड़ लोगों को फीड कराना चाहते हैं विथ लेस प्राइस, समझ में आ रहा है? अगर हम अगर तुम अनाज मार्केट में डालोगे तो अनाज की बढ़ोतरी होगी, तो सप्लाई ज़्यादा होगा तो उसका जो प्राइस है वो कम होगा कि नहीं, तो लेस प्राइस में वो लोग भी पाएंगे ना, तो उनकी जिम्मेदारी बोल रहे हैं कि वो ऑल ओवर इंडिया पर है, ऐसा थोड़ी ना कि केवल 80 करोड़ लोगों को ही हम ध्यान देंगे, वही चीज़ है। वहीं पर स्टेट जो है वो कहाँ से अब लेंगे, स्टेट के पास तो अब कोई है ही नहीं, वो अपनी स्कीम्स कैसे चलाएंगे, जैसे कर्नाटका को सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तो कर्नाटका ने क्या किया है, जो जब उनको नहीं मिला चावल और गेहूँ तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि भैया चलो हम हर अकाउंट में पैसा डाल देते हैं। अब कर्नाटका में कांग्रेस गवर्नमेंट और सेंटर में है बीजेपी, तो अब ये कांग्रेस, ये जो कर्नाटका गवर्नमेंट कह रही है कि भाई ऐसा है ये हमारे साथ बदला ले रहे हैं, हमको जो है अनाज नहीं दे रहे हैं, हमारे जो हमने इलेक्टोरल पोल्स में जो कमिटमेंट किया था, प्रोमिसेस किए थे, वो हमें मीट नहीं कर पा रहा है इसके वजह से। तो कर्नाटका फाउंड अ वे आउट, इट विल ओनली नाउ ट्रांसफर कैश फॉर दी प्रपोज एडिशनल क्वांटिटी दी एपिसोड ब्रिंग्स इनटू फोकस एंड इल प्लान अटेम्प्ट टू रेप्लिकेट, समझ में आ रहा है? तो ये स्टेट को थोड़ा सा जो है ना वो जो नए मेजर्स चलाना चाहती है उसमें थोड़ी दिक्कत आ गई है, स्पेशली फूड रिलेटेड प्रोग्राम्स में। वो स्टेट कह रही है कि देखो अभी स्टेट ने यार ये क्या प्रॉमिस है यार कि 5 kg से 10 kg कर दिया, बताइए। तो आप चाह रहे हो कि ठीक है, बहुत अच्छा है कि आपने 5 kg जो है सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, 5 kg एक्स्ट्रा स्टेट देना चाहती है उन लोगों को, लेकिन बाकी लोगों का क्या, वो भी तो देखना पड़ेगा। एट द सेम टाइम जो फूड रिलेटेड प्रोग्राम्स होते हैं उस पर कुछ भी बोलना थोड़ा क्रूएल टाइप का लग रहा होता है कि गरीबों के अगेंस्ट बोला जा रहा है, लेकिन समझना चाहिए दोनों आस्पेक्ट्स को कि भैया रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन भी है, पर द वे दिस स्कीम हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड एंड देन यूनिलैटरली द अमेंडमेंट हैज़ बीन प्रपोज इन द स्कीम, ये थोड़ा सा लग रहा है कि पॉलिटिकल वेंजियंस है, समझ में आ रहा है? खैर हम इतनी बातें नहीं लिख सकते,
लेकिन हाँ ये बोल जरूर बोल सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के जो अपनी स्कीम्स हैं, जब उन्हें अनाज ही नहीं मिलेगा तो वो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, मोटा मोटी यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं ये। ठीक है, शुड इंटरनेट शट डाउन बी यूज टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर। देखिए आप, इन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, इन्होंने देखा अभी मणिपुर में आपने देखा वायलेंस की वजह से इंटरनेट शट डाउन कर दिया गया, और जम्मू एंड कश्मीर में कई बार शट डाउन हो जाता है। इनफैक्ट इन्होंने दो एक गजब के एग्जाम्पल लिए कि एक राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टेस्ट टीचर्स हुआ करता था रीट, अब उस रीट में चीटिंग ना हो उसके लिए इंटरनेट शट डाउन कर दिया। बताइए, एक माध्यमिक परीक्षा वेस्ट बंगाल में हो रहा था उसमें चीटिंग ना हो उसके लिए इंटरनेट शट डाउन कर दिया। तो इन्होंने कहा है कि इंटरनेट शटडाउन बहुत ईजी वे इन्होंने ढूंढ लिया है, जबकि ये गलत है। इंटरनेट शटडाउन आप ऐसे नहीं कर सकते, ये कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट है। समझ रहे हो बात तो कि नहीं? इन्होंने कहा है कि ये दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है इंटरनेट शटडाउन। 2022 में अकेला 84 शटडाउन देखने को मिला। ये एक आसानी से तरीका ढूंढ लिया है कम्युनल टेंशंस को ईज करने के लिए। मैं ये मानता हूँ कि पब्लिक ऑर्डर, नेशनल सिक्योरिटी ये इंपॉर्टेंट है, पर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ दी फंडामेंटल राइट। देखिए आर्टिकल 19 में राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की बात करता है, और राइट टू एक्सेस टू इंटरनेट दोनों हैं, आर्टिकल 19 में भी आता है और आर्टिकल 21 में भी आता है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो आपने किसी की ई फ्री स्पीच को भी कर्व किया ना, तो किसी का फंडामेंटल राइट आप कर्व कर रहे हो। हाँ ये बात सही है कि आर्टिकल 19 इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट, 19 क्लॉज 2 में कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन कम्युनल टेंशन कम करना या मिस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर अगर आप किसी चीज़ को दबा रहे हो तो वो ठीक नहीं है। हमें कोशिश करना चाहिए कि कम से कम फंडामेंटल राइट को इम्पैक्ट करें, और कम से कम ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है कि आप एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए जो है आप चीटिंग ना हो इसके लिए आप इंटरनेट शट डाउन कर दें। इन्होंने कहा है कि एक प्रोपोर्शनैलिटी होती है कि भाई अगर शट डाउन का बहुत वाइड इम्पैक्ट है तो ठीक है करिए, लेकिन आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप शट डाउन करने लगेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होता है। सर आज के देर टाइम में आप हर चीज़ के लिए हमें OTP की ज़रूरत होती है, इंटरनेट की ज़रूरत होती है, तो वो एक मतलब एक लिंब ऑफ दी फाइनेंशियल सिस्टम है, वो टूट जाता है कहीं ना कहीं। समझ रहे हो? तो यही इस आर्टिकल में बताने की कोशिश की गई है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। वॉट आर दी प्रोविजन्स ऑफ दी हाई सी ट्रीटी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली तो ज्योग्राफी ऑप्शनल और UPSC के परस्पेक्टिव से भी, UPSC पेपर 2 के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अभी अभी यूनाइटेड नेशन ने मरीन बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरिया बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन, मरीन बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन, जिसे हाई सी ट्रीटी के नाम से भी जानते हैं, ये कन्वेंशन पास किया। ये अनक्लॉस के अंदर है, अनक्लॉस का तीसरा मेजर ट्रीटी है। पहला इंटरनेशनल सीबेट ट्रीटी था, और दूसरा भी आपका दो ट्रीटी ऑलरेडी साइन हो गई थी, समझ में आ रहा। और ये तीसरा, एक तो इंटरनेशनल सी बेल्ट अथॉरिटी था, दूसरा फी स्टॉक एग्रीमेंट था, और तीसरा ये आपका हाई सी ट्रीटी आया है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस हाई सी ट्रीटी? हाई सी ट्रीटी जो है वो एड्रेस क्रिटिकल इश्यूज सच एज इंक्रीजिंग सी सरफेस टेम्परेचर, ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है इसको एड्रेस करना है, ओवर एक्सप्लाइटेशन ऑफ द मरीन बायोडाइवर्सिटी, ये तो मछलियाँ मारी जा रही हैं, एक्सप्लाइट कर रहे हैं आप, उसको रोकना है, ओवर फिशिंग रोकना है आपको, कोस्टल पोल्यूशन रोकना है आपको, अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन किया जा रहा है उन्हें रोकना है। तो पहला तो चीज़ हमें ये करना है। दूसरी चीज़ हमें क्या करनी है, हमको जो है मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज बनाने हैं, ताकि हम जो है ह्यूमन एक्टिविटी को थोड़ा रोक सकें। समझ में आ रहा है? ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ह्यूमन एक्टिविटी जो एक्सप्लाइटेटरी नेचर का है उसे थोड़ा कम कर सकें। उसके अलावा इन्होंने बोला है कि शेयरिंग ऑफ साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन एंड मॉनेटरी बेनिफिट्स, समझ में आ रहा है, उन्होंने एक क्लियर हाउस मैकेनिज्म क्रिएट किया ताकि ट्रांसपेरेंसी हो सके। इसके अलावा इन्होंने कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करी है, यूज़ ऑफ मरीन टेक्नोलॉजी की बात करी है, ताकि हम मरीन डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सके। सर जी मैं कह रहा हूँ आपको कि इस बार UPSC में ये क्वेश्चन आ रहा है, UPSC मेंस में, और ऑप्शनल में भी ये क्वेश्चन आ जाएगा। अनक्लॉज एक टॉपिक है लॉ ऑफ सी, उसमें ये नया चीज़ है, और वो ढूंढते हैं कि नए टॉपिक पर ही वो सवाल बनाते हैं आज की डेट में। समझ रहे हो बातों को? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, बेलारूस प्रेसिडेंट क्लेम्स वैगनर चीफ इन रशिया इज इन रशिया। अब ये देखिए सर, अजीब बात है, वैगनर जो था एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी है, ठीक है, प्रिजोबिन जो थे वो उनके हेड माने जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले वैगनर ग्रुप ने एक म्यूटिनी किया, और उस म्यूटिनी को दबाया गया एक म्यूचुअल डील के थ्रू। उसके तहत कहा गया कि जो वैगनर ग्रुप के जो हेड हैं वो बेलारूस में हैं। अब बेलारूस के प्रेसिडेंट साहब ये कह रहे हैं कि भाईजान
वो तो हमारे यहाँ है ही नहीं। तो ये समझ में, ये कुछ स्टेज लग रहा है, ये जैसे म्यूटनी भी स्टेज लग रहा है। तो कहीं ये जो स्टेटमेंट है ये कहीं ना कहीं दिख रहा है कि म्यूटनी इज स्टेज, है ना, कुछ तो गड़बड़ है, जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। समझ रहे हो बात तो कि नहीं? अच्छा, US ट्रेजरी सेक्रेटरी इन चाइना टू सूथ रिलेशनशिप। अब ये बड़ा अच्छा देखने को मिल रहा है कि अभी इससे पहले एक और विजिट हुआ था, अभी येलेन मैम गई हैं, जेनेट येलेन, दोनों कंट्रीज़ के बीच में, ताकि दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व हो सके और ट्रेड रिलेशनशिप बढ़िया हो सके। समझ रहे हो बात तो कि नहीं? अब इट विल क्रिएट अ वैरी टू इंडिया ऑल्सो, बट स्टिल अगर दो कंट्रीज़ के बीच में है तो रीजनल टेंशन थोड़े कम होंगे। अच्छा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बींग मिसयूज इन कैनेडा। अभी आपको मालूम है कि कैनेडा में आजकल एक नया खालिस्तानी इंसर्जेंसी के रूप में इमर्ज कर जा रहा है। आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा एक टेबलो निकला था जिसमें इन्होंने जो 1984 की जो किलिंग थी, जो असैसिनेशन था फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी जी का, उनका किलिंग स्टेज किया था। समझ में आ रहा है? तो वो खालिस्तानी जो एक्टिविटी है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उन्होंने बोला है कि भाई साहब ये स्पीच थोड़ा रोकिए, ये इंसर्जेंसी प्रमोट करता। और ये देखने को भी मिला है US में एक कॉन्सुलेट को इन्होंने जला दिया। तो अभी थोड़ी सी खालिस्तानी डिमांड जो है, फ्रिंज एलिमेंट और पाकिस्तानी, इसमें पाकिस्तानी एंगल भी इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन वो बढ़ रहा है। इसी को उन्होंने कहा है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच शुड बी कर्व्ड बाय द कैनेडियन अथॉरिटीज़। ठीक है। एज इनवॉय सेज, G20 समिट इज की इवेंट फॉर रशिया। हो सकता है कि जो हमारे जो पुतिन साहब हैं वो इंडिया में G20 समिट एक्सेप्ट करने आए हैं, और अगर वो आते हैं तो ये पहली बार ऐसा होगा कि यूक्रेन वॉर के बाद दो कंट्रीज यानी कि वेस्ट और रशिया दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे होंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, दिस इज ऑल फॉर टुडे। वी हैव डिस्कस्ड 3 मेजर एडिटोरियल्स, बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल डिस्कस किया है। क्वेश्चन का आंसर जरूर रखिए, DNA के चैनल पे आप अपने आंसर्स भेज सकते हैं। मेरा जो प्रोफाउंड IAS का टेलीग्राम चैनल, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट होता है आप पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों में फैलाएं, अपने दोस्तों को भी कहें देखें, वो भी सीख सकते हैं। और ये कोर्स अगर आपने एक साल देख लिया ये DNA, तो आपका पूरा का पूरा जो है कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हो जाएगा मेंस के परस्पेक्टिव से। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू।